आषा दशमी व्रत का विधान। सनत कुमार बोले, हे भगवन, हे पार्वतीनाथ, हे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, हे दया सागर, अब आप दशमी तिथि का महात्म्य बताइए। तब ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से यह व्रत प्रारंभ करें। पुनः प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह व्रत करें। इस प्रकार बारहों महीनों में इस उत्तम व्रत को करके बाद में श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर इसका उद्यापन करें। राज्य की इच्छा रखने वाले राजपुत्र, उत्तम कृषि के लिए कृषक, व्यवसाय के लिए वैश्य पुत्र, पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भिणी स्त्री, धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए सामान्य जन, श्रेष्ठ वर की अभिलाषा रखने वाली कन्या, यज्ञ करने की कामना वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ, आरोग्य के लिए रोगी और दीर्घ काल तक पति के परदेश रहने पर उसके आने के लिए पत्नी, इन सबको तथा इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी इस दशमी व्रत को करना चाहिए। जिस कारण से जिसे कष्ट हो तब उसके निवारण हेतु उस मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। श्रावण में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन स्नान करके देवता का विधिवत पूजन कर घर के आंगन में दसों दिशाओं में पुष्प पल्लव चंदन से अथवा जौ के आटे से अधिदेवता की शस्त्र वाहन युक्त स्त्री रूपा शक्तियों का अंकन करके नक्त वेला में दसों दिशाओं में उनकी पूजा करनी चाहिए। घृत मिश्रित नैवेद्य अर्पण करके उन्हें पृथक पृथक दीपक प्रदान करना चाहिए। उस समय उपलब्ध फल भी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे दिग्देवता, मेरी आशाएं पूर्ण हो और मेरे मनोरथ सिद्ध हो। आप लोगों की कृपा से सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी क्रम से प्रत्येक महीने में दशमी तिथि को सदा करना चाहिए और एक वर्ष तक इसके करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के लिए सुवर्ण अथवा चांदी की अथवा आटे से ही दसों दिशाओं को बनवाए। तत्पश्चात स्नान करके भली भांति वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर बंधु बांधवों के साथ भक्तिपूर्ण मन से दसों दिग देवताओं का पूजन करना चाहिए। घर के आंगन में क्रम से इन मंत्रों के द्वारा दिग देवताओं को स्थापित करें। इस भुवन के स्वामी और देवताओं तथा दानवों से नमस्कार किए जाने वाले इंद्र आपके ही समीप रहते हैं। आप ऐन्द्री नामक दिग देवता को नमस्कार है। हे आशे, अग्नि के साथ विवाह होने के कारण आप आग्नेयी कही जाती है। आप तेजस्वरूपा तथा पराशक्ति है अथा मुझे वर देने वाली हो। आपका ही आश्रय लेकर वे धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं। इसीलिए आप संयमिनी है। हे याम्ये, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। हाथ में खड्ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं। अतः आप निरुति रूपा है। आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। हे वारुणी, समस्त भुवनों के आधार तथा जल जीवों के स्वामी वरुण देव आप में निवास करते हैं। अतः मेरे कार्य तथा धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हो। आप जगत के आदि स्वरूप वायुदेव के साथ अधिष्ठित है, इसलिए आप वायव्या है। हे वायव्ये, आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें। आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठित है अथा आप इस लोक में उत्तरा नाम से विख्यात है। हमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करके आप निरुत्तर हो। हे ऐशानी, आप जगत के स्वामी शंभू के साथ सुशोभित होती है। हे शुभे, हे देवी, मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है। आप समस्त लोकों के ऊपर अधिष्ठित है, सदा कल्याण करने वाली है और सनकादि मुनियों से घिरी रहती है। आप सदा मेरी रक्षा करें। सभी नक्षत्र, ग्रह, तारागण तथा जो नक्षत्र माताएं हैं और जो भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने भक्ति युक्त मन से
भक्ति पूर्वक पूजा की है। वे सब मेरे अभीष्ट की सिद्धि के लिए सदा तत्पर हो। नीचे के लोकों में आप सर्पों तथा नेवलों के द्वारा सेवित है, अथा नाग पत्नियों सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इन मंत्रों के द्वारा पुष्प धूप आदि से पूजन करके वस्त्र अलंकार तथा फल निवेदित करना चाहिए। इसके बाद वाद्य ध्वनि, गीत नृत्य आदि मंगल कृत्यों और नाचती हुई श्रेष्ठ स्त्रियों के सहित जागरण करके रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। कुमकुम, अक्षत, तांबूल, दान मान आदि के द्वारा भक्तिपूर्ण मन से उस रात्रि को सुखपूर्वक व्यतीत करके प्रातः काल प्रतिमाओं की पूजा करके ब्राह्मण को प्रदान कर देना चाहिए। इस विधि से व्रत को करके क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम करके मित्रों तथा प्रिय बंधुजनों को साथ लेकर भोजन करना चाहिए। हे तात, जो मनुष्य इस विधि से आदर पूर्वक दशमी व्रत करता है वह सभी मनोवांछित फल प्राप्त करता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस सनातन व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां श्रद्धा कामना परायण होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। तीनों लोकों में अन्य कोई भी व्रत इसके समान नहीं है। हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ, वांछित फल की कामना करने वाले जो मनुष्य दशमी तिथि को दसों दिशाओं की सदा पूजा करते हैं, उनके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को वे दिशाएं फलीभूत कर देती है। इसमें अधिक कहने से क्या प्रयोजन। हे सनत कुमार, यह व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस व्रत के समान ना कोई व्रत है और ना तो होगा।